मम्मा आप भी डर गए थे ना कल? सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे कल। आई एम व्लॉगिंग रैंडमली। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, एक साइड मैंने टंगा रखा है मेरा इसे बाहर जाने वाला बैग और दूसरी साइड है जिम बैग। अभी मैं और दीदी जा रहे हैं थोड़ी बहुत स्टेशनरी शॉपिंग करने और ऋषि अश्वी का भी बर्थडे है तो मैं उनके लिए कुछ लेने जा रही हूँ। सो मैंने सोचा लेट मी टेक यू ऑल अलॉन्ग। आई हैव नो आइडिया, आई एम प्लानिंग टू क्यूरेट बॉक्स, सो देखते हैं वो कैसा जाता है। हियर्स दीदी, मैं और दीदी ले रहे हैं अलग अलग गाड़ी, फिर हम साथ में जाएंगे क्योंकि अभी ये मुझे गाइस इधर उधर नहीं छोड़ती क्योंकि इस लड़की को 75 जगह जाना है। आंटी एकदम ग्रीन फ्लैग है और आज ज्यादा ही ग्रीन फ्लैग भी लग रही है। बहुत बहुत सुंदर लग रही हो मम्मी। चलो बाय बाय मम्मा। ओम गाइस, द ब्राउन स्किन इज स्किनिंग। हमने हमारी कार पार्क कर दी है, अब चलते हैं दीदी की कार में। हेलो ब्रदर, कौन सी स्टेशनरी जा रहे हैं? स्काई ब्लू स्टेशनरी। लेट्स गो। आई एम फीलिंग वेरी क्यूट टुडे, आई डोंट नो व्हाई। बिना फालतू कुछ बात नहीं करनी गाइस। Guys, getting this for Yashvi because Yashvi loves coloring book. मैंने अपने लिए ली थी ना, remember Yashvi and we were just coloring हम पूरी together। हाँ, हम लोग पूरे मुंबई ट्रिप में 4 बजे तक बैठ के coloring कर रहे थे। ये देखिए तो मस्त है। ये रख दे मेरे मेरे लिए। मेरा भी लेने का मन हो गया। अभी नहीं, अभी रख दो। I got some cute things. Main तो मैंने 3 canvas लिए है क्योंकि कल ऋषि का बर्थडे और हमने सोचा है हम पेंट डे टाइप करेंगे। तो मेरे स्टूडियो पे हम छोटा सा सेटअप करेंगे जहाँ पे हम पेंट वेंट करेंगे। आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी व्लॉगिंग बिकॉज इट्स ऋषि'स बर्थडे, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद हर एंड वी विल सी हम क्या कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई ऑल्सो हैव टू क्यूरेट अ छोटा सा बॉक्स फॉर हर, लाइक गिफ्ट बॉक्स। थोड़ी बहुत चीजें मैंने ले ली है, थोड़ी बहुत और लेंगे, अगर नहीं मिलेंगी तो कल सुबह आएंगे हम लेने। बट Yes, that's the plan right now. अब हम तीनों जा रहे हैं महेश्वरी भवन। सो महेश्वरी भवन इज अ प्लेस इन सूरत जहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं और वहाँ पे लगा हुआ है एग्जीबिशन और हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। सो लेट्स गो। आई होप मुझे वहाँ पे एक अच्छा सा बैग मिल जाए क्योंकि मुझे यशवी को बैग देना। बाय द वे ऋषि यशवि का बर्थडे इतने एक दिन के डिफरेंस में आता है। ऋषि का बर्थडे इज ऑन 13th मार्च एंड यशवि का बर्थडे इज ऑन 15th मार्च। ऐसे इतना कम टाइम होता है ना मेरे पास ये दोनों की बर्थडे के लिए। और बहुत दिनों बाद गोपाली मैडम के साथ हम आ रहे हैं गिड़ी। अब कम हो गया अपना है ना। हाँ अब तो अमीर हो गया ना, तू अपनी महंगी गाड़ी चुप रहे नी, नी, आ जाते हैं लोग क्योंकि पैसे खर्चे मैंने। हेलो गाइज, राइट नाउ इट इज 2:30 AM एंड इट इज क्रेजी राइट नाउ। मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे घर में ऐसी आवाज आ रही थी कि कोई नॉक कर रहा है, ठीक है, एंड वी ऑलवेज स्केयर्ड कि कौन नॉक कर रहा है इस टाइम पे, कोई चोर वोर आ गया है, क्या हो गया। देन वी रियलाइज, मतलब मैं और दीदी लिटरली 2 घंटे से चुपचाप बैठे और ध्यान कर रहे कि आवाज कहाँ से आ रही है। हमें ये पता चल रहा था कि नीचे वाले फ्लोर से आ रही है, ऊपर से तो नहीं आ रही, और आवाज कुछ ऐसी आ रही थी, मैं बताती हूँ, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा था कोई नॉक कर रहा है क्योंकि वुड की आवाज आ रही है। एंड देयर वाज अ रैट इन आवर सेंटर टेबल। वो रैट निकलने की कोशिश कर रहा था इसमें से, जो निकल नहीं पा रहा था, और जैसे उसको थोड़ी सी आवाज आती थी, जैसे हम लोग देखने आते थे, मैं और दीदी बात करते थे कौन है कौन नहीं, तो वो ना चूहा निकलने की बाहर कोशिश करता था, और जैसे ही हम आते थे, हम थोड़ी बात करते थे, तो वो चुप हो जाता था थोड़ी देर बाद, फिर हम वापस अपने कमरे में चले जाते थे तो वो वापस आवाज करने लग जाता था, और हम लोग इतने डर गए। बट फिर फाइनली मैंने देख लिया चूहे को और मैंने दीदी को बताया, मैंने वीडियो में भी ले लिया। आई एड अ क्लिप। पापा भी जग रहे हैं यहाँ पे, दीदी मम्मा भी जग रहे हैं। अब फाइनली वी कैन गो टू स्लीप। वी वर शिट स्केयर्ड और एंड आल्सो दैट चूहा वाज रोमिंग अराउंड। हम लोग इसके ऊपर ना एक ग्लास रखा था कांच का, जो हम ऊपर ले गए कि यहाँ पे क्यों रखा है, वो तोड़ वोड़ देगा। तो उसने ऊपर से वो देख रहे हो वहाँ पे एक बॉक्स रखा है, वहाँ पे हमने कांच का
ग्लास भी रख दिया था, तो उसने वहां पता नहीं वो ऊपर भी चढ़ गया, ऊपर से ग्लास तोड़ दिया, पूरे घर में ग्लास पड़ा हुआ है और हम जस्ट वही साफ कर रहे हैं, चप्पल वप्पल पहन के घूम रहे ताकि कल सुबह किसी को लग ना जाए। सो नाइटमेयर गाइस, नाइटमेयर। और कांच का ग्लास पूरी सीढ़ी पे पूरे नीचे तक, इतने कांच के टुकड़े पड़े। लेकिन कल सुबह चप्पल पहना के हेतल आंटी को भी बोलना काम कर, और मम्मी मेरा खरबूजा का डब्बा वो वहाँ पागली पे रखा है, लेकिन मैं डर से नहीं बाहर जा रही थी। चूहा निकालो मम्मी, कल कुछ भी हो जाए, नीरज मामा को बोलो कुछ करो, चूहा निकालो। ये चूहे ने आज हमारी नींद खराब कर दी, पूरी रात खराब कर दी। वो मम्मी चूहा दानी में इतना बड़ा चूहा है ही नहीं, इतना छोटा चूहा है मम्मी, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और सुबह नहा धो के आई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने जाना है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स के लिए, सो मैं सीधे गिफ्ट लेने निकलूंगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मा आप भी डर गए थे ना कल? बहुत डर गए थे, सब बहुत ही ज्यादा डर गए थे कल, बट कोई नीड्स अ न्यू डे गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर डे, लेट्स ईट ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं। हाँ लाइफ है, डेली लाइफ थोड़ी नॉर्मल होती है, कल थोड़ी ज्यादा ही अबनॉर्मल हो गई थी। और मैं और दीदी तो लिटरली गेट के बाहर ऐसे कान लगा के बैठे, एक्चुअली सीआईडी बन गई थी हो क्या, थोड़ी हम तो हमें क्यों, हम लोगों को ये हो गया था कि ये सॉल्व करो, क्योंकि वो नहीं अगर सॉल्व करते तो इरिटेट होते रहते हम लोग, मतलब कब से ये देख रहे थे। और ऐसा हो रहा था कि चूहों को जैसे थोड़ी सी इंसान की चूहे को जैसे थोड़ी इंसान की आवाज आती थी तो वो चुप होके बैठ जाता था, फिर जैसे हम अंदर चले जाते थे फिर वापस आवाज आ जाती। मतलब एक बार धीमे से जानवी अपने रूम से बाहर निकल रही चेक करने के, एक बार मैं निकल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हमारी टाइल्स आवाजें कर रही है क्योंकि मेरे रूम से दिख नहीं रहा था, बट मैं गिव अप कर चुकी थी, मैं डर गई थी, मैंने कहा आज तो कुछ है, मैं नहीं बाहर निकल रही, मम्मी अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। गाइस डन विद द ब्रेकफास्ट, लेट्स गेट रेडी, लेट्स डू सम स्किन केयर एंड लेट्स स्टेप आउट। गाइस लुक व्हाट एम आई ट्राइंग, also getting one shade for Rushi, this one, this brown one I'm getting for her, the second last, guys I love this shade, I'm getting this। थोड़ा सा रुशी के लिए और थोड़ी सी अपने और दीदी के लिए शॉपिंग कर ली है, अब मैं जा रही हूँ बैग और हील्स देखने फॉर रुशी एंड यशवी। यशवी को हैव टू गिफ्ट अ बैग एंड रुशी को हैव टू गिफ्ट अ हील, आई होप आई गेट समथिंग फॉर देम। गाइस गेटिंग दिस फॉर यशवी, यशवी नीड्स अ ब्लैक टोट बैग एंड आई थिंक ये उसे अच्छा लगेगा। मैंने ना हील देखी थी वेबसाइट में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दिस वन दीदी के पास भी है तो मैं ये रुशी के लिए भी ले रही हूँ। हेलो गाइस, डन विद ऑल दी शॉपिंग, बस मुझे भी जाके एक बॉक्स लेना है रुशी के लिए और उसके अंदर मुझे झुमकी, थोड़ी सी किसेस वाली चॉकलेट एंड थोड़ी सी ऐसे कन्फिटी और उसकी झुमकी हील और एक चीज है लिपस्टिक डालनी है मुझे उसके अंदर। सो हम एक बॉक्स लेते हैं एंड देन लेट्स गो। आई एम सो हैप्पी, आई गेट वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर माय क्लोज वंस बर्थडे, बेस्ट फ्रेंड हो, दीदी हो, मम्मी हो, बहुत बहुत ज्यादा मजा आती है मुझे ये लोगों को ऐसे स्पेशल फील करवाने में। आई थिंक आई हैव टू मेनी बॉक्सेस ऑफ पीआर, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ बॉक्स, आई एम गोइंग टू रीयूज द वंस दैट आई हैव एंड आई थिंक मेरे पास एक तो बहुत ही अच्छा है ब्लू कलर का, सो आई एम नॉट गेटिंग अ बॉक्स क्योंकि बॉक्स वेस्ट होता है। सो Let's go home. Let's curate a box. Hi guys, I am back home and I have a box right here. ये देख रहे हो मस्त सा बॉक्स है, तो हम ये यूज करेंगे एंड लेट्स डेकोरेट इट। आई हैव टू मेरी पीआर स्टाफ, लाइक पीआर में जो ये सारी चीजें मिलती है डेकोरेशन वाली, वो सारी बहुत सारी चीजें और गिफ्ट सब ले आए, सो लेट्स क्यूरेट द बॉक्स नाउ। लंच टाइम और मैं आ गई हूँ नीचे, मम्मी ने बनाई है बहुत बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी, भिंडी की सब्जी बनी है, बहुत ही मजा आती है भिंडी की सब्जी और दाल खाने में। मम्मी ये देखो कल हम सारी लाए, खादी है खादी, अच्छी लग रही
है ना, बहुत प्रीटी है। और ये आपके कान्हा जी के लिए कपड़े, अब तो ठंडे चले गए बट मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, मुझे समझ में आया कि आपको अच्छे लग रहे इसके लिए मैं और दीदी ले आए। सो यस, अभी हम करते हैं लंच एंड आई हैव क्यूरेटेड द क्यूट गिफ्ट बॉक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। अभी मैं बोल नहीं सकती मुझे बहुत भूख लग रही है। They say she won't work the way that I want. Guys, I've got this lipstick जो मैंने आधी खा लिया by the way. इधर आओ। मम्मी गैस करो लिपस्टिक की प्राइस जो मैंने लगा रखी है। मैं कैसे गैस करूँ? मार खाएगी दीदी, दीदी सामने से बता रही। 5000 200 5200 की है। Don't judge me, okay? जानवी ये तो अति ऊपर फालतू की बात है। मैं तो बोलूँ ना मेरी बेटी को मारू। तो ये जो लिपस्टिक है इसकी जो पैकेजिंग है उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग है, तो गोल्ड प्लेटिंग खाई तो लोगे ना। मम्मी डब्बे की गोल्ड प्लेटिंग है, डब्बा लिपस्टिक पे नहीं, डब्बे पे गोल्ड प्लेटिंग। तो उसका क्या करना फिर, वो बेच सकते हो डब्बा? नहीं हाँ? नहीं, तो फिर वो गोल्ड प्लेटिंग का क्या फायदा? ये हेलो, लंच इज डन। अब हम करेंगे थोड़ी बहुत पैकेजिंग की अनबॉक्सिंग। हमारे पास थोड़े पैकेजेस है, दिखाती हूँ कितने हैं। हमारे पास इतने सारे पैकेजेस हैं खोलने के लिए गाइस। इसमें क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था, सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी मुझे यही खोलने की है। ओके, हमारे पास पहले तो बहुत सारे ईयरबड्स हैं क्योंकि मुझे मेरी बहन की बातें सुनाई नहीं देती। So I've got lots of earbuds क्योंकि खत्म हो गए थे और ये पैक ऑफ 1 या 2 मिल ही नहीं रहा था। 2-4 साल तो चली जानी चाहिए ये मुझे, जिस तरीके से मैंने मंगवाए हैं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो मैं बहुत लेट हुई ये चीज में, लेकिन लेट सही लेकिन मंगवाया तो है ना मैंने। मैंने एक्सफोलिएटिंग ग्लव मंगवाया है जिसको आप ऐसे 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 करो ना तो आपके पूरा मैल निकल जाता है। अब मैंने रिव्यूज में पढ़ा था दैट इट इज वेरी नाइस एंड इट वर्क्स, बट आपको बहुत टाइम रब करना पड़ता है उसके बाद निकलता है। तो आई वाज लाइक ठीक है हम कर सकते हैं। तो मैंने मंगवाया ये एक्सफोलिएटिंग ग्लव। इसका फैब्रिक थोड़ा वियर्ड सा है बट ठीक है, आई विल गिव इट अ ट्राई। ओ इट इज क्वाइट, ऐसे लग रही है मेरे को, तो आई मीन आई थिंक साबुन वगैरह के साथ सही होगा। नेक्स्ट आई हैव ऑर्डर्ड दिस क्योंकि आई एम अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर गाइस। ये बहुत ही क्यूट लगते हैं, लोगों को मैंने पहने हुए देखा तो मैंने सोचा मैं भी मंगवाऊंगी और ये काफी ज्यादा ट्रेंड में मुझे सही लग रहा था। मेरा मुंह बड़ा हो गया इससे, इग्नोर करते हैं इसे। अब हमारे पास एक और अमेजोन है। एक दिन एक संडे मैंने बैठ के अमेजोन से बहुत सारी चीजें ऑर्डर की थी। ओके, देन वी हैव बूब टेप गाइस, बूब टेप बिकॉज वी आर वीमेन, वी नीड दिस। नेक्स्ट दिस वन जानवी प्रेम निवास तिवारी, दिस इज प्रोमो ब्रांड जिनका मुझे काम करना है। देन वी हैव बी बॉडी वाइज हियर, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि अंडर आर्म रोल ऑन एक और हो गया गाइस। बॉडी सनस्क्रीन स्प्रे आई लव दिस, एंड देन वी हैव बॉडी वॉश गाइस। देन आई हैव बूब टेप्स अगेन, दीज आर द बिग वंस। ये तो बहुत खाली है, इसमें कुछ भिजवाया है नहीं भिजवाया है गाइस। आई हैव ऑर्डर्ड अ वेरी क्यूट इयररिंग्स। निपल पेस्ट्रीज हैं, कितनी बड़ी पैकेजिंग में गाइस ये लोगों ने भेजी है, कोई मतलब ही नहीं है। एंड आई ऑल्सो ऑर्डर्ड ब्लैक हेयर टाइज बिकॉज मैं आगे की ब्रेड्स करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। सो ये था हमारा छोटा सा अनबॉक्सिंग गाइस। हमने एक क्यूट सा सरप्राइज बॉक्स बनाया फॉर वन ऑफ आर फॉलोअर्स। तो हमने समर सीरीज की थी और हम रैंडमली गिव अवे कर रहे हैं। मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था, जस्ट मैंने कैप्शन में नीचे लिख दिया था द वन हु सेलेक्ट्स अ गुड नेम फॉर माय सीरीज गेट्स अ गुडी बैग। तो गुडी बॉक्स हमने बस वही क्यूरेट किया एंड बहुत सारे ऐसे सारे सरप्राइज गिव अवे टाइप्स आने वाले। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल एज कीप एन आई ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट, मैं वहां पे भी सोचू डालने का। सो Wow, guys, I washed my hair and Yashvi is here. हम लोग कर रहे हैं पेंट डे। तो हमने कल डिस्कस किया था उसके पास कितना पेंट है कितने ब्रश है, मेरे पास कितना पेंट है कितने ब्रश है, बट ये मैडम पेंट और पेंट ब्रश लाना ही भूल गई। याद नहीं दिला, दैट इज माई फॉल्ट। 10 बार कॉल किया पर एक बार बोले नहीं कि क्योंकि ये मोर देन बेसिक है। अगर पेंट डेट पे जा रहे हैं आधी चीज ये लेके आने वाली आधी मैं लेके आने वाली, तो ये लेके आएगी। गाइज वी आर प्रेपिंग फ्यू थिंग्स जो हमें ऊपर लेके जानी है, बट यशवी आज इतनी स्लो चल रही है, रूशी आ जाएगी और हम ऊपर नहीं जा पाएंगे आज। ऑल्सो आई हैव चेंज्ड इनटू दिस क्यूट सा आउटफिट, एकदम ऐसे लग रहा ना पेंट करने जा रही हूँ। चले अश्वी, गाइस दैट्स आवर पेंटिंग सेटअप एंड दैट्स आवर फूड सेटअप।
ऋषि इज हियर जल्दी आ। हैप्पी बर्थडे टू यू। Okay. Feeling लानी चाहिए, feeling. एग्जाम में बच्चे होते हैं ना जो सिर्फ लाइन पे लाइन खींचते हैं, वो ही अश्ली है। मैं कुछ तो फ्लावर जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट। पेंटिंग तो अगली लग रही है, आई मीन ड्राइंग तो अगली लग रही है, आई होप पेंटिंग ना हो। एंड रुशि का एलिमेंट इज सरप्राइज। या ऑल ऑफ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, अपडेट ऑन आवर पेंटिंग्स। दो लोग हग कर रहे हैं, फाइन नॉट रॉन्ग। गाइस क्यूट, रुशि वेरी क्यूट। हग्स फॉर यू गाइस। ये बना रही है पिंक कलर का चेस कोड। भाई पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ। जानवी बीइंग जानवी, खुद ही इतनी फूल जैसी है, फूल बना रही है। मैं मेरे रूट्स नहीं भूलती गाइस। ऋषि का क्या, हाँ प्यार हुआ, प्यार बीच में हुआ। दिस पेंटिंग डिपिक्स प्यार हो रहा, मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें प्यार हुआ पहली बार मिलके, और फ्लावर्स और ये सब तुम्हारी लाइफ में आ रहे, फिर तुम्हारे बीच में इंटीमेसी आई। एंड देन कम्स द रियल पार्ट, दैट इज लाइफ। लाइफ मतलब इतने सारे तुम्हारे फेजेस, ब्लॉक्स जस्ट सजेस्ट कि तुम अलग अलग प्यार में अलग अलग फेज से गुजर रहे हो। बीच में जो ये दो है, गाइज इट इज द नेक्स्ट डे। आज है 14th मार्च और आज है थर्सडे। इसके लिए मैंने पहन रखी है कुर्ती क्योंकि हमें जाना है मंदिर, और मेरी स्किन वापस बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही है। कल ये हम वापस मम्मी जा रहे थे, कल मम्मी वापस घूम कर आई अपना, फिर मंडे की मन्नत मांगेगी, इसी बहाने मंदिर जाती रही ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, मैं इसी बहाने जा रही हूँ मंदिर, यही कह लो। बट मुझे मंदिर जाना है, एंड देन आई हैव टू गो फॉर लंच विद दिशिता अश्विन। अभी मुझे ना ये मेकअप ट्रॉली ठीक करनी है और मुझे पैक भी करना है, और मानसी वेट कर रही है कि मैं उसका फोन दे दूं तो वो एडिट करना चालू करे। टू मच इज हैपनिंग, आई हैव टू डू अ लॉट। कल हम मुंबई जा रहे हैं तो उसकी भी मुझे पैकिंग वैकिंग करनी है, और हमें एक इवेंट भी अटेंड करना है तो उसके भी मुझे कपड़े रखने हैं। अ लॉट टू डू। एक अवार्ड नाइट हो रही है जहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब्स आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डे गाइस। दीदी अरे मियन मानसी आर शॉक। अरे ओके लेट्स स्टार्ट विद वर्क गाइस, पर थोड़ी देर में हम चलते हैं बाहर। Guys, I've changed my outfit. आज मेरी हार हुई और ये लोगों की जीत। बट अगर आपको आउटफिट में से वाइब्स नहीं आ रहे तो प्लीज चेंज कर लो। आपको लगता है इट विल वर्क आउट बट इट वोंट, कपड़े एंड इंसान आर द सेम गाइस। अगर वाइब्स नहीं आ रही है तो चेंज इट। ओके अब मैं बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हूँ, सो आई शुड गो। मुझे रोस्ट करता है guys, इसको एक दिन पहले गिफ्ट मिल गया, अब देखो कल कुछ नहीं मिल रहा है। ले आज ही ले ले। Looks good with her. Nice. And there's one more thing. Your cheap therapy session. Guys, I am back home. बहुत मजा आ गई दिशिता यश्वी के साथ लंच पे जाके। इट वॉज सो मच ऑफ फन। हमने बहुत सारे गप्पे मारे, बहुत सारी बातें की, एंड आई थिंक यश्वी लाइक्ड द गिफ्ट, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। अभी मैं थोड़ी बहुत अगेन पैकेजेस इधर उधर कर रही हूँ, ब्रांड का काम कर रही हूँ, एंड देन आई स्टार्ट पैकिंग। तो बस करते हैं सारे काम। ऑल्सो मैंने अमेजोन से चीजें मंगवाई थी, वही आ रही है। लेट्स सी इसके अंदर क्या है। ओके दिस इज अ मेकअप स्किन केयर रैक दैट आई नीडेड। इसके ऊपर आप अपने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रख सकते हो। सो गाइस आई हैव ऑर्डर्ड अ बैग जिसका रिव्यू आप बाद में देखोगे, बट राइट नाउ आई नीड टू अनबॉक्स इट। चना नाइस बैग गाइस। गेस करो कौन सी वीडियो आ रही है बैग देखते। ट्रैवल वीडियो नहीं है गाइस। अब गेस करो गाइस। एक मछली पानी में गई चपाक। ओके बाय गाइस। ये गाइज आई एम पैकिंग माई बैग। बहुत सारे आउटफिट्स रखे मैंने क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स है, तो अलग अलग मैचिंग के शूज, हील्स एंड एवरीथिंग, एंड वी हैव ऑलमोस्ट पैक्ड। सिर्फ स्किन केयर और मेकअप रखना बाकी।
the way that I want it don't matter cause I want you the most and if I can guys main mandir aayi hu darshan karne before going to the gym aur aaj main shyam baba ke mandir aayi hu this is in Vesu agar aap surat aa rahe ho zarur aana very beautiful very calming no matter what I try to do another 100 times I make it right next to you Hi guys, good morning. It is the next day. I woke up and I did not even do my skincare. मेरा पूरा skincare मेरे साथ यहाँ पे है जो मैं अभी करूँगी. Guys, woke up and didn't even take shower. है? और तभी इतनी जल्दी तैयार होगी. Guys, मेरी माँ मेरे लिए खमनी लेने गई है. मम्मी थैंक यू. देख प्यार ऐसा होता है. तुझे तो मिला नहीं होगा. वाह. गाइज वी आर बैक हमारे फ्लैट में हम आ चुके हैं मैं आती हूं हमारे फ्लैट में हम चार जन हैं पांच जन हैं हमारे साथ एक छिपकली भी है ये तो मैं छिप मैंने एकदम तेज में डर गई हूँ आते ही ए, मैं मार दूंगी बेडशीट चेंज कर रहे हैं और मुझे मशीन भी चलानी है माई फेवरेट थिंग टू डू इज वॉशिंग क्लोथ गाइस आई लाइक इट झाड़ू चाहिए पर झाड़ू तो वहाँ यहाँ छिपके लिए झाड़ू कैसे लगाऊ मैं खुद बैठ के ऐसे ऐसे कर लेती हूँ तेरे बाल भी काम आ सकते हैं गुड वन चलो वी आर हेडिंग टू सुपर थाई स्पा आई एम वेरी एक्साइटेड माई क्रैम्स विल फील मच मच बेटर are getting ready because we are going to Soho House. Yashvi ka khali ek hi tha pure birthday ke liye ki mere ko Soho House jana hai sunset pe and it is very beautiful. So we are heading to Soho House. Yashvi, how was the spa? Very, very, very relaxing. बहुत मजा आ गया फिर हमने हेयर वॉश भी करवा लिया हम लोगों को इतनी ज्यादा मजा आ गई थी अश्वी तो सोई गई थी मैं थोड़ी 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 सो रही थी बट फन डे नाउ लेट्स चेंज एंड देन लेट्स गो दीदी और प्रिया दीदी भी आ रहे तैयार होते हैं और चलते हैं Soho House. आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग दिस क्यूट ड्रेस जो मैंने सूरत में कभी पहनी मुंबई में सब ऐसा ही पहनते तो मेरे को वियर्ड नहीं लगेगा बट सूरत में अभी आई थिंक आई कैन वेयर इट बट डिपेंड्स कि मैं कहाँ पहन रही हूँ गाइज नए नए मेकअप ब्रशेज आई मीन एकदम धुले हुए मेकअप ब्रशेज यूज करने की अलग ही मजा है दिस स्मेल सो गुड एंड गाइज वी आर रेडी लेट्स गो आई होप यू डोंट मिस द सनसेट गाइज अनफॉर्चुनेटली Soho House नहीं हो पाया तो हमारी यशवी मैडम का थोड़ा सा मूड भी खराब हो गया है तो हम उसके लिए लेंगे सनफ्लावर आई हैव बीन ऑलवेज गिफ्टिंग हर सनफ्लावर्स तो सनफ्लावर लेते हैं और थोड़ा केक वेक लेते हैं उसका मूड थोड़ा चीयर अप करते हैं I wake up and don't hate it I guess I found some peace through the day to the evening without shouting and screaming something new to me Hi guys We all are back home. I am home alone right now because मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आई डोंट नो वाई मे बी मैंने बहुत पानी नहीं पिया है इसके लिए भी हो सकता है सभी मैंने बहुत सारा पानी पी लिया है बट आई रियली डोंट नो द रीजन आई एम सुपर टायर्ड ऑल्सो इट्स माई फर्स्ट डे एंड देन ट्रेवलिंग भी बहुत सारी हो गई इधर उधर भी बहुत हो गया तो आई एम जस्ट गोइंग टू ले डाउन एंड आई एम गोइंग टू सी ऑल टुमोरो कल भी बहुत फन डे होने वाला है सो ये आई एम गोइंग टू सी ऑल टुमोरो व्हेन आई हैव एनर्जी इन मी Hi guys, good morning. It is the next day. Woke up, took shower, and right now I am getting dressed to go to Ed Sheeran concert. I'm super excited. Didi नहीं आ रही हमारे साथ because she's not a concert person. So मैं यशवी and प्रिया दीदी जा रहे हैं Very excited. हम थोड़ा सा twin करने वाले हैं मतलब not in the color but I think in the style. So मैं पहन रही हूँ ये top जो मेरी बहन ने मीशो से मंगवाया था It's an off shoulder top और नीचे ऐसे थोड़ी ruffle type of pattern है और फिर मैं पहन रही हूँ mini skirt.
बट ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. दीज आर स्कॉट्स एक्चुअली. सो पूरे दिन हम मस्त नाचेंगे गाएंगे मजे करेंगे. सो लेट्स गेट रेडी गाइज. वी आर ऑल रेडी. बहुत ही ज्यादा कॉन्सर्ट वाइब आ रही है हम लोगों में से. That's our outfit. अरे हमारा आई मेकअप देखो थोड़े से हमने पर्ल्स लगाए हैं. प्रिया दीदी पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. लेट्स गो. टिकट करते टाइम पे जीरो इंटरेस्ट एंड शी वॉज फुल्ली इंटरेस्टेड. नाउ इट्स द ऑपोजिट गाइज. राइट नाउ आई एम 100% इंटरेस्टेड एंड यशवी इज 0% इंटरेस्टेड. गाइज फाइनली यशवी ऑल्सो हैज पर्ल्स ऑन. आई एम वेरी एक्साइटेड. मुझे गाने नहीं आते कुछ नहीं आता बट एक्साइटमेंट देख रही हूँ बंदी की. और इसकी वजह से मैं जा रही हूँ. इसकी कल बर्थडे थी. इसने मुझे कल बोला था मैं. इसने मुझे बोला चल कॉन्सर्ट. मैंने बोला नो सॉरी. बोलती है मेरा बर्थडे गिफ्ट. मैंने कहा ठीक है चल लेते हैं. नाउ शी इज नॉट एक्साइटेड. गाइस शोइंग मम्मा माय लुक. वी वर सपोज टू बी एट महालक्ष्मी रेस कोर्स वो गार्डन वार्डन जहाँ इवेंट हो रहा है बट हम है पलेडियम में क्योंकि हम ले रहे हैं लंच ब्रेक एट 4 o'clock. हम 2:30 के निकले हुए हैं और अभी बज रहे हैं कि हम मैक्सिमम 3:15 तक तो पहुँच जाएंगे. गाइज मेरा तो गाइज इतना चले हैं हम इतना चले हैं कॉन्सर्ट में. बेस्ट डिसीजन टू नॉट वेयर बूट. एक बार मेरी बेस्ट फ्रेंड की मैंने सुन ली और मैं खुश हुई. गाइज यही भी होगा मेरा पूरे टाइम क्योंकि मुझे एड शेरन तो नहीं दिख रहा है. So much Mumbai. सब अच्छा है सब चंगा जी. बाय बाय.